नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए और अपने अपने घरों में खुश हो गए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ना हम लोग मेहंदी का डिज़ाइन का मतलब कुछ फ़ोटो वीडियो निकाल रहे थे, तो बस ऐसे कर रहे थे। और यहाँ पे फिर मैं ना यहाँ बैठ के प्रणाम वगैरह कर रही थी और कथा भी सुन लिया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे फ़ोटो मतलब वीडियो हो रहा था। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे हंसी भी आ रही थी, तो इसलिए मैं हंसने लगी थी। और अकेले ही सब सुबह से मैनेज किया दोस्तों, और तीज के व्रत में ना अकेले ही सब सुबह से मैनेज किया। और कैसे किया तीज आप लोग देखिए, और तीज का विसर्जन का भी वीडियो ना इसी में है। तो सुबह में हम लोग फिर मतलब पूजा वूजा हुआ, फिर उसके बाद विसर्जन हुआ और फिर मेहंदी का ये सब जो हो रहा था ना बार बार, मतलब अच्छा फ़ोटो नहीं आ रहा था तो फिर से हो रहा था, कोई ऐसे हाथ कर दे रहा था, कोई वैसे हाथ कर रहा था, थोड़ा कॉमेडी भी हो जा रहा था। और यहाँ पे हम लोग देखिए पूजा का सब सरिया के रखे हैं और बहुत अच्छे से हो रहा था, तो कभी कोई गड़बड़ कर दे रहा है, कोई गड़बड़ कर दे रहा था, तो यही चक्कर में ना। और अभी देखिए सुबह, अभी सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ फिर से दीदी के घर। सुबह रात में आ गई थी और सुबह में फिर से नहा धोवा के सारा काम निपटा के और झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके अभी मैं जा रही हूँ। तो अभी मैंने टीका नथिया सब खोल दिया है, अभी नहीं पहन के जाऊँगी क्योंकि मतलब रात में ही पहन के जाती हूँ फिर थोड़ा उलझन टाइप का लगता है इसीलिए। और गजरा मैंने डाल लिया था, तो गजरा तो सूखा सूखा टाइप का हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे देखिए विसर्जन की तैयारी हो रही है। अभी भी मेरा थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि वो लोग बोले थे 4 बजे आने और मैं आई हूँ 5 बजे। और यहाँ पे लेट थोड़ा तो हो गया था लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सबको सिंदूर लगाने का, सुबह में भी अभी सिंदूर लगाएंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए दीदी लोग मतलब, और कपड़ा जो चढ़ाते हैं ना हम लोग वो ले लेते हैं थोड़ा सा और हम लोग अपने साड़ी के पल्लू में बांध लेते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद ना दीदी को सिंदूर मैं लगा दे रही हूँ, दीदी मुझे लगा देगी, फिर ये क्या बोलते हैं, फिर और सब जितने बड़े लोग हैं उन लोगों को लगा दूँगी और प्रणाम वगैरह कर लूँगी। और फिर उसके बाद सब लोग मतलब ये सब हो जाएगा ना, उसके बाद गौरी माता को खोइचा दिया जाता है, खोइचा उचा दे के और फिर विदा कर दिया जाता है। तो फिर विसर्जन करने के लिए सब जाएंगे, जिसको मन होगा वो जाएगा, जिसको मन नहीं होगा वो घर में ही रहेंगे। तो बस अभी मतलब 4-5 जन जाना ज़रूरी रहता है, तो 5 जन तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी मतलब जाएं या फिर ना जाएं मतलब उनका मन है, थक क्योंकि व्रत था ना, सब थके हुए थे और व्रत में ज़्यादा मन भी नहीं करता इधर उधर जाने का इसीलिए। तो बस और ये देखिए दीदी की गोतनी है बड़ी वाली, तो सब लोग ना सिंदूर लगाते हैं ऐसे सुहाग थोड़ा बढ़ता है बोलते हैं, तो इसीलिए। और मुझे पता नहीं रहता है कौन एंगल से खड़ा हुआ जाता है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो वो दीदी लोग बड़ी है ना तो वो बता देती है मुझे। घर की मौसी लाई मिल खरीदी वहां पर लगाने के लिए थाली में रखिए ना। सबसे अलग लगी, सबसे अलग लगी।
यहाँ पे दोस्तों सब लोग जा रहे हैं लेके, और उसमें से जो प्रसाद वगैरह है कि गिर ना जाए तो उसे मतलब प्लास्टिक वगैरह में ले ले रहे हैं, और जो भी है ये देखिए तो सबको लेके गाड़ी में बैठ जाएंगे कार में। और थोड़ा वीडियो धुंधला हो जा रहा था, पता नहीं क्यों कैमरा में थोड़ा सा मतलब ये पोछने बार बार पोछ के हम लोग वीडियो बना रहे थे, फिर भी हो जा रहा था उस तरह से। और यहाँ पे देखिए सब लोग जा रहे हैं, निकल गए हैं, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं और ये लोग ही जा रहे हैं, मतलब पाँच जन जा रहे हो गया था पाँच जन, तो हम लोग फिर घर में ही रुक गए थे। और बस यहाँ पे जाते जाते गणपति मतलब गणपति जी शंकर भगवान भोलेनाथ सबके दर्शन कर लीजिए, और बोल दीजिए एक बार जोर से भोलेनाथ हर हर महादेव महादेव बोल दीजिए दोस्तों, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए कि कैसे हम लोग मतलब विसर्जन का नदी का। तो आज मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, नहीं तो नदी का अगले साल हर साल तो डालती हूँ, लेकिन इस साल मैंने जा नहीं रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे सब लोग गाड़ी में बैठ के अभी चले जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे तो चाय पानी पिएंगे जिसको पीना। यहाँ पे ना फिर हम लोग मैं आ गई थी दीदी के घर क्योंकि हो गया था, तो यहाँ पे मैं ना इनको प्रणाम कर रही थी तो ये हंस रहे थे, तो फिर मैं भी मतलब हंसने लगी थी। और यहाँ पर मतलब क्योंकि दीदी बोल रही थी यहीं शरबत पी लो, तो शरबत वगैरह पीने लगी थी ना, तो ऐसे कैसे पी लेती बिना पति देव का प्रणाम वरनाम किए पैर छुए। तो यहाँ पे प्रणाम कर रही थी तो वो भी हंस रहे थे और मुझे भी हंसी आ रही थी, तो फिर मैंने बोला चलो थोड़ा फ़ोटो ले लेते हैं और थोड़ा वीडियो भी बना लेते हैं। तो ये मोबाइल में लगे हुए थे, तब तक थोड़ा बहुत छोटा सा ही वीडियो बन पाया, ज़्यादा नहीं बन पाया और अच्छा नहीं लगता है कहीं। और फिर मैंने बोला एक फ़ोटो ले लो, तो पता नहीं अच्छा नहीं आ रहा था फ़ोटो वीडियो कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा था। यहाँ दीदी बैठी है चाय पी रही है, और फिर मैं भी शरबत मेरा भी रखा हुआ है, तो मैंने बोला मैं भी शरबत पी ले रही हूँ और फिर चाय पी ले रही हूँ। दीदी और मैं दोनों बैठ के नीचे में ही पी शरबत और चाय मतलब चाय और थोड़ा शरबत पी लिया था, तो ठीक लगने लगा था। फिर मैं घर जाऊँगी, यहाँ पे ये लोग दोनों गप्पे मार रहे हैं, और फिर मैं घर जाऊँगी, फिर घर में जो बनाना होगा खाना होगा, सब लोग रोक रहे थे कि अभी रह जाओ यहीं पे फिर खाना वाना खा के जाना। फिर मैंने बोला नहीं, घर में भी घर में भी बनाने का तैयारी मतलब थोड़ा बहुत बनाना चाहिए आज के दिन, तो इसलिए मैं चली गई थी चाय वगैरह पी के थोड़ी देर में ही। नहीं तो दीदी घर जाती हूँ ना तो मतलब नहीं भी मन करता है ना, फिर भी हम लोग रुक ही जाते हैं कितनी मतलब थोड़ा टाइम तक, तो इसीलिए फिर मैंने बोला नहीं, और थका भी लगता है और थोड़ा मेरा तबीयत भी थोड़ा ढीला हो जाता है, इसलिए फिर मैं कहीं रुकती नहीं, घर में ही आराम करूँगी जाके। और यहाँ फिर मैं अपने घर आ गई थी दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा फ़ोटो वोटो हम लोग वहाँ लिए नहीं थे, तो फिर यहाँ फ़ोटो वोटो ले रहे थे और तो फ़ोटो वीडियो ले रहे थे। और ये इनको फ़ोटो वीडियो लेना ही पसंद ही नहीं आता, इनको फ़ोटो वीडियो करने में बहुत मतलब बहुत ये लगता है। मैं बोल रही थी ऐसे करो वैसे करो, इनको समझ में नहीं आता, फिर मैंने बोला ठीक है छोड़ो। फिर घर में आके फिर से प्रणाम वगैरह किया था, क्योंकि फिर शरबत फिर से मैंने घर में पिया था, वहाँ थोड़ा सा वहाँ पिया था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक गिलास और पिया था, और फिर चाय बाद बहुत देर बाद चाय बना के पिया था। चाय तो मैं मतलब वहाँ पी ली थी ना, तो चाय पीने का उतना कुछ खास नहीं था, तो फिर यहाँ पे मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा था, तो फिर ये बता रहे थे इधर रहो उधर रहो, और फिर मेरी बेटी बता रही थी ऐसे फ़ोटो पोज मारो, तो मुझे हंसी आ रहा था क्योंकि हम लोग ना उतना ज़्यादा है। और फिर फ़ोटो वोटो हो गया तो फिर मैं बैठ गई थी, थकावट लगने लगता उपास में, और मतलब पेट भी दर्द जैसा लग रहा था पानी पीने से, तो फिर मैं यहाँ कुर्सी में बैठ गई थी। और तो बस उसके बाद ना शरबत का इंतज़ार कर रही थी, तो ये लोग शरबत घोर रहे थे, मेरी बेटी और मेरा सर भी थोड़ा चक्कर आने लगा था, तो वही मैं बैठ गई थी। मैंने बोला अब हो गया, फ़ोटो जितना खिंचाना था मैंने खिंचा लिया, और अब कानून भी मेरा दर्द देने लगा था झुमका से, तो बस अभी मैं खोल दूँगी झुमका वगैरह क्योंकि बहुत भारी भारी लग रहा है अजीब सा, तो इसीलिए मैं अभी खोल दूँगी। ऐसे तो बहुत सुंदर लग रहा था लेकिन फिर भी खोलना तो पड़ेगा क्योंकि कान मेरा पक गया है। और उसके बाद नींबू पानी ये लोग बना रहे हैं, और बस आप लोग भी आ जाइए दोस्तों नींबू पानी पीने और सुबह का चाय, और अभी पकोड़े वगैरह भी बनेंगे तो वो भी खाऊंगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ। तब तक ले जय माता दी, राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, और जय गणपति देवता गणेश भगवान की जय। और बस यहाँ पे ना, और फिर
तो जाते जाते दोस्तों एक बार बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। अगले बरस फिर आज गणपति जी का मतलब आज दिन है। और यहाँ मेरा नींबू आ गया, तो नींबू पानी बन रहा है, आप लोग भी आ जाइए नींबू पानी बनने पीने के लिए। तो यहाँ नींबू पानी बन गया है, मैं पी रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और चाय तो अभी मिला नहीं है, तो बाद में पीते हैं, अब पहले नींबू पानी पीते हैं।